हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स के बारे में, और यहाँ पर मैं आपको ईडियम्स बताने वाला हूँ फाइव, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर से ही यहाँ पर कुछ फाइव ईडियम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखे हैं, तो चलिए एक नज़र में उन्हें हम देख लेते हैं। तो पहला ईडियम हमने लिखा है यहाँ पर, एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर मीन्स होता है कि किसी सिचुएशन को और ज़्यादा बेकार कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो ईडियम्स होते हैं उन्हें आप हिंदी में कहते हैं मुहावरा। दोस्तों, ये इनका तब तक कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा जब तक आप इनको सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो ईडियम है वो है ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब होता है मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, यानी कोई चीज़, कोई सिचुएशन बेकार है, आप उसे और ज़्यादा बेकार कर दें। तो इसका मतलब होता है कि ऐड फ्यूल टू द फायर, हिंदी में कहें कोई जले पे नमक छिड़कना, है ना, या कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप उसे और ज़्यादा बढ़ा दें। तो ये सारी सिचुएशन आपकी एक ईडियम में आएगी जिन्हें हम कहेंगे ऐड फ्यूल टू द फायर। ओके, सेकंड है मच एडो अबाउट नथिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस आपका ईडियम है मच एडो अबाउट नथिंग। ये एक विलियम शेक्सपियर का प्ले है, उसका भी ये टाइटल है मच एडो अबाउट नथिंग। इसका मतलब होता है A lot of trouble and excitement about something which is not important. Means much ado about nothing means कि बहुत ज़्यादा परेशानी लेना या excitement करना एक ऐसी चीज़ के लिए जो important नहीं है, यानी कि बेकार में ढोल नगाड़े वगैरह बजाना या दिखावा करना, बोले सीधा, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो important नहीं है और उस पर बहुत ज़्यादा शोरगुल करना, excitement होना या उसका बहुत ज़्यादा ऐड करना, ये सारी बातें आप इस ईडियम में लिखेंगे मच एडो अबाउट नथिंग में, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है वो है अ बैड एप्पल। यदि आप किसी सेंटेंस में अ बैड एप्पल लिखा देखें तो इसका मतलब वहाँ पर एप्पल से नहीं होगा, इसका मतलब होगा वन बैड पर्सन इन ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गुड, यानी कि एक लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें कोई एक व्यक्ति बेकार है ना, तो हम उस बेकार व्यक्ति को बोलेंगे अ बैड एप्पल, ठीक है। इसका सिंपली आप अर्थ बिल्कुल भी ना निकालें, जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्पेलिंग लिखी हुई हैं, आप हिंदी में इनका अर्थ बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि ईडियम्स जो होते हैं ना, जो वर्ड लिखे हुए हैं उनका वो मीन्स नहीं हो रहा, डिफरेंट हो रहा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का गो बनाना। अब गो बनाना का मतलब ये नहीं होगा, वैसे ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं होता है गो बनाना। तो गो बनाना का मतलब या नहीं बना, जो बनाना मीन्स क्या होता है, केला, गो मीन्स जाना, ऐसे अर्थ नहीं डालना है। गो बनाना मीन्स होता है टू बिकम एंग्री। गो बनाना मीन्स टू बिकम एंग्री, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, इसका मतलब होगा गो बनाना का ईडियम, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें है आपका गिव समबडी ए बेल। यदि आप किसी सेंटेंस में लिखते हैं गिव ए बेल या गिव समबडी ए बेल, तो इसका मतलब होता है टू टेलीफोन समवन, यानी किसी को फोन करना, ये हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हमारे फाइव ईडियम्स हैं, इसी तरह आपसे आपको और भी क्लासेस मिलेंगी। पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।